माध्यमिक शिक्षा मंडल की घोर लापरवाही की वजह से हजारों विद्यार्थियों का भविष्य दांव में लग गया है, क्योंकि ये बच्चे उन स्कूल में पढ़ रहे हैं जिन स्कूलों को मान्यता नहीं मिली है। दरअसल प्रदेश के 133 निजी स्कूलों की मान्यता अब भी अधर में है। इस साल 178 स्कूलों ने मान्यता के लिए आवेदन किया था, लेकिन माशिम ने मान्यता टीम गठित नहीं होने के कारण मान्यता नहीं मिल पाई। स्वराज एक्सप्रेस में खबर चलने के बाद मान्यता समिति की गठन की गई, लेकिन फिर 178 स्कूलों में से 41 स्कूलों को मान्यता दी गई, लेकिन अभी 133 स्कूलों को मान्यता नहीं मिली है और उन्हें त्रुटि सुधार नोटिस भेजा गया है, साथ ही एक माह का समय दी गई है। अब सवाल उठता है कि बिना मान्यता स्कूलों में प्रवेश क्यों दी गई? ऐसे में हजारों विद्यार्थियों का भविष्य खतरे में है, क्योंकि इस माह के बाद तिमाही परीक्षा का समय है और नोटिस के बाद भी मान्यता नहीं मिली तो 10वीं और 12वीं के बच्चों की पढ़ाई प्रभावित तो होगा, लेकिन इनके सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। अब देखना यह होगा कि माध्यमिक शिक्षा मंडल बच्चों के भविष्य को देखते हुए क्या ठोस कदम उठाती है और उन स्कूलों पर क्या कार्रवाई करती है जो बिना मान्यता के इन बच्चों को प्रवेश दिया है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर सत्या राजपूत।